नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नज़र हर एक शेयर पर। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 10 स्टॉक हैं जो आने वाले दिनों में इसी वीक में बाज़ार को हिला देने वाला है, यूँ कहें कि उन पे आपको फोकस ज़रूर से बनाए रखना चाहिए। तो उन स्टॉक पर आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो आपको A to Z सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, वो स्टॉक कौन सा है, कैसा रहेगा, क्या परफॉर्मेंस आगे उसका रहा, सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, नए विजिटर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइमली मिल सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारा स्टॉक रहने वाला है टाटा मोटर्स। तो टाटा ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे टाटा ग्रुप्स के अभी LM नंबर भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स या काफ़ी अच्छे नंबर्स कहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक टाटा मोटर्स ग्रुप जो है, एक इस पर आपका फोकस ज़रूर से रहना चाहिए। बिकॉज पहले ये टाटा मोटर्स जो है, टाटा नैनो का जो प्लांट है उस पर वर्क करता था। देन अगर अभी हम रिसेंटली देख पा रहे होंगे तो रिसेंटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाने का वर्क कहीं ना कहीं करने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ वीडियो में दी भी हुई है, तो आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो वहाँ से जाके ज़रूर से देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, स्टॉक पे हमारा कहीं ना कहीं फोकस ज़रूर रहना चाहिए आने वाले मार्केट के दिनों में। तो यहाँ से एक और स्टॉक निकलता है, वो भी टाटा से ही है, टाटा केमिकल लिमिटेड जो स्टॉक है, इस पर भी हमको ज़रूरत से ज़्यादा यह कहना चाहिए आने वाले मार्केट में फोकस ज़रूर बनाए रखना है। बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि ये बैटरी बनाने का काम भी डेफिनेटली आगे चल के कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हमको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ से हमको मार्केट में फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है, तो इस पर भी हमको फोकस रखना है। तो टाटा ग्रुप से दोनों ही मैंने आपको बता दिए, टाटा मोटर्स एंड टाटा केमिकल। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टाटा ग्रुप से ही एक और स्टॉक निकलता है, ये दो स्टॉक तो हमको नज़र रखना है, ये मल्टीवेगर स्टॉक में ये शामिल है। अगर मैं एक और ग्रुप की बात करूँ तो वो भी आप देख लीजिए, टाटा ग्रुप का अगर नाम आ ही गया है तो एक और कंपनी की अगर हम टाटा ग्रुप से ही बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंज्यूमर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँगी। इस पर अगर मैंने वीडियो बनाया, शायद आपने अभी तक चेक नहीं किया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टॉक है और Nifty 50 में ऑफिशियली ये शामिल हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, मार्च के एंडिंग तक सारी चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाएंगी, बट मैं आपको बता दूँ अगर ये Nifty 50 में शामिल ज़रूर हो गया, बट उस टाइप का हमको जोश इसमें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। या कहना चाहिए Nifty 50 में शामिल होने वाले स्टॉक जो जंप करते हैं या जो वर्क करते हैं, वैसा अभी हमको टाटा कंज्यूमर में नहीं दिखाई दे रहा। तो हम कह सकते हैं इस स्टॉक पे हमको पैनी नज़र ज़रूर से ज़्यादा बनाए रखनी चाहिए। बिकॉज इस स्टॉक के बारे में आपको डिटेल से वीडियो में बता चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और Nifty 50 में शामिल होना मतलब एक ज़बरदस्त मूवमेंट के ऊपर वर्क करना है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमको टाटा के जो तीनों ग्रुप के बारे में मैंने बात की है, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स एंड टाटा केमिकल, हम तीनों को अगर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हमको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बना के आपको बता दिया है, मुथूट फाइनेंस मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा। तो यहाँ पे भी हमको कहीं ना कहीं इस पर फोकस बनाना है। मैंने बताया भी था यहाँ पे इनके चेयरमैन सर की डेथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसका इम्पेक्ट आज मार्केट में डेफिनेटली आपको दिखाई दिया होगा। आपने देखा अभी मार्केट क्लोजिंग में अभी हाफ आवर बाकी है, तो हम कह सकते हैं फिर भी हमको वोलेटाइल मार्केट में यहाँ पर नेगेटिविटी शो हुई और कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ थी ही, तभी हमको मार्केट में इस स्टॉक पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया। तो हम कह सकते हैं इस स्टॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मुथूट फाइनेंस कंपनी ख़राब हो गई या अब इसमें वर्क नहीं करना है। अगर इसमें डेफिनेटली आप इस स्टॉक में वर्क कर रहे हैं आगे के लिए, तो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली हमको एक अच्छा रिटर्न दे मिल सकता है यहाँ से। तो हम अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो रहेगा, देन अगर मैं बात करूं तो येस बैंक, और येस बैंक से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं। येस बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस दोनों की बॉन्डिंग हो चुकी है एक अच्छे व्यापार के लिए, तो मैं कह सकती हूं दोनों पे हमारा फोकस डेफिनेटली रहना चाहिए। येस बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये PNB बैंक के ऊपर भी रख सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के लिए मैंने वहाँ पे आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताया था। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों पे हमारा एक फोकस ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप देख पाएंगे, देन अगर मैं बात करूं PBR की, तो PBR के लिए हमको एक पॉजिटिव न्यूज़ यहां से देखने के लिए मिल रही है। तो हम कह सकते हैं इस स्टॉक के लिए आपका फोकस ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो न्यूज़ भी मैं आपको बता देती हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ इससे रिलेटेड है, पी
पीवीआर टू इन्वेस्ट अप टू 150 करोड़ इन सिनेमा। सिनेमा में 150 करोड़ के आसपास खर्च करने का, इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे विचार कंपनी कर रही है। आप देख पा रहे होंगे ये 2021 का ही कहने यहाँ पे कमिटमेंट, या कहें कि ये न्यूज़ हमको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं पीवीआर स्टॉक भी हमारी नज़र में होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है जहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पीवीआर इन इन्वेस्टर 150 करोड़ टू ऐड 30-40 स्क्रीन अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट फिजिकल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी, और अगर हम नेक्स्ट कंट्री या कोई और कंट्री की बात करें तो वहाँ भी यहाँ पर फिजिकल हमको देखने के लिए ये स्क्रीन्स मिल रही हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमको हमारा इस पर फोकस ज़रूर होना चाहिए, और आगे चल के इनका मानना है कि यहाँ हमको 1000 स्क्रीन्स के ऊपर और भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इनका एक लक्ष्य है ये, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इस पर हमारा फोकस ज़रूर होना चाहिए। आने वाले मार्केट में डेफिनेटली यहाँ से हमको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ से अगर इस स्टॉक की बात करूँ रिलायंस होम फाइनेंस की, तो इस स्टॉक पे आपको नज़र भी नहीं डालना, ये बता रही हूँ दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस स्टॉक पे नज़र रखना, नज़र भी नहीं रखना है। आप देख पा रहे होंगे स्टॉक 250 रुपये के आसपास का स्टॉक चल रहा है, और कह सकते हैं हम इसने कुछ भी अच्छा वर्क नहीं किया है। इससे रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ भी आई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, मतलब 100 रुपये का स्टॉक 2 रुपये के आसपास अगर हमको दिखाई दे रहा, तो हम कह सकते हैं मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएशंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस पर आपको बिल्कुल भी नज़रें नहीं रखना है। इससे रिलेटेड न्यूज़ अगर हम देख पा रहे होंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, रिलायंस होम फाइनेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ आप खुद ही देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिलायंस होम फाइनेंस ऑन सैटरडे सडन डिफॉल्टर ऑन लोन ऑफ ओवर 14 करोड़ फ्रॉम पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक इवन एज द कंपनी हैज़ इनफ केस एंड केस इक्विवेलेंट विच इज कांट यूज ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। मतलब कोर्ट तक ये कंपनी की बातें चल रही हैं, तो कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं ये हमारे लिए न्यूज़ नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस स्टॉक के लिए मैंने आपको नेगेटिव न्यूज़ दिखा दी है, तो मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोल रही हूँ कि इसके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूँ क्रूड ऑयल के प्राइजेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आपको क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी स्टॉक है उन पर अपना फोकस ज़रूर रखना है। ONGC हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, उन पे अपना एक फोकस ज़रूर बना के रखना। यहाँ से हम कह सकते हैं आने वाले मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं। और केमिकल सेक्टर से अगर मैं बात करूँ तो केमिकल के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट का काम करता है। क्रूड ऑयल का अगर प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर में काफ़ी हमको डाउन मूवमेंट दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आपको अतुल लिमिटेड हुआ, विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड हुआ, आरती इंडस्ट्रीज़ हुआ, ये सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले मार्केट में। बिकॉज ये केमिकल सेक्टर पे ये रॉ मटेरियल का काम करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट केमिकल सेक्टर पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ सकता है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ स्टॉक, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे अगर मैं हिरनबा कंपनी की बात करूँ, तो आपने देखा जबरदस्त लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ था हिरनबा कंपनी का। तो कह सकते हैं कि आज से, मतलब मंडे मार्केट से लेकर अभी तक 4 दिन मार्केट चलेगा आज से लेकर, बिकॉज वेनसडे मार्केट हॉलीडे पे है, महाशिवरात्रि का हॉलीडे, तो 4 दिन मार्केट में हम इसका वर्क डेफिनेटली देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग हुआ था ये IPO, और जबरदस्त इसमें तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है, तो इस पर भी हमारा एक फोकस ज़रूरत से ज़्यादा रहना चाहिए। मेजेस्को की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें लोअर सर्किट आप देख पा रहे होंगे, और ये लोअर सर्किट कब खुलेगा किसी को भी नहीं मालूम है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर अपना एक फोकस ज़रूर रखना है। देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, तो इस पर भी अपना एक फोकस ज़रूर बनाए रखना है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो आप पावर ग्रिड में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, और 4 रुपये का यहाँ पे कंपनी में हमको डिविडेंड देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क कंपनी का है, वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा हमको यहाँ पर चांसेस कम दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप मैरिको को देख रहे होंगे तो यहाँ पर 4.5 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड कंपनी को मिला है, और इसका एक्सपायरी यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे 10 मार्च का एक्सपायरी है। तो कह सकते हैं कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है, अभी आज की डेट में तो कंपनी हमको डाउन होते हुए दिख रही है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है।
तो यहाँ से अगर मैं लास्ट स्टॉक की बात करूँ तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन की ओर 680 के आसपास का ये प्राइस चल रहा है इसका। तो कह सकते हैं यहाँ से हमको कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट मिलती है तो इससे रिलेटेड इस पर भी हमारा एक फोकस ज़रूर होना चाहिए। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। इसी के साथ ही गुड बाय, टेक केयर।